हम पहले बैंगन लेंगे, उसे धो के अच्छे से काट लेंगे। इस तरह से हमने बैंगन को बीच से काटा, अब हम इसे लंबा लंबा काटेंगे। अगर आपके पास लंबे वाले बैंगन है तो और अच्छा है, हमें इसे बड़े बड़े पीस में ही कट करना है। अब हम बैंगन में 2 चम्मच तेल डालेंगे, कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप डाल सकते हैं, अगर मस्टर्ड ऑयल है तो और अच्छी बात है। ये 2 चम्मच हमने तेल डाला, अब हमें इसमें 1/2 चम्मच नमक डालना है। तो ये हमने 1/2 चम्मच नमक डाल दिया, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तेल और नमक अच्छे से मिल जाए। अब ठीक उसी तरह हम आलू को भी धो के और फिर इस तरह लंबा लंबा कट कर लेंगे। यहाँ पर 2 आलू लिया है मैंने, अब इसमें हम तेल डालेंगे 1 चम्मच, 1/2 चम्मच नमक ऐड करके इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस पे हम सारे बैंगन को फैला देंगे। अगर आपके पास माइक्रोवेव या ओवन नहीं है तो आप तावे पे भी इसे बना सकते हैं, बस आपको इसे शैलो फ्राई करना पड़ेगा क्योंकि ये ग्रिल सब्जी है, इसमें तेल बहुत कम लगता है, और अगर आप तावे पे बनाएंगे तो तेल थोड़ा ज़्यादा लगेगा। इस तरह से हमने बैंगन और आलू को अच्छे से शीट पे फैला लिया, अब हम इसे 200 सेंटीग्रेड पर ओवन में ग्रिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 प्याज लिया है, उसे चॉप कर लिया है, 5 लहसुन की कलियाँ ली हैं, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और 1 हरी मिर्च ली है। मेरे पास लंबी हरी मिर्च थी, अगर आपके पास छोटी हरी मिर्च हो तो 2 ले लीजिए। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच राई और 1/2 चम्मच मेथी दाना लिया है। प्याज, मिर्च, अदरक, लहसुन ये सब डाल देंगे और उसके साथ ही हम इसमें सौंफ, मेथी और राई भी डाल देंगे। तो मेथी, राई और सौंफ भी डालेंगे और इसको अच्छे से हमें ग्राइंड करना है। अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा पानी आप यूज़ कर सकते हैं। अब एक पैन में तेल रखेंगे और उसे गरम करेंगे। तो अब ये सारा मसाला हम तेल में डाल देंगे अच्छे से और इसे हमें अच्छे से भूनना है। जब तक पूरा तेल अलग ना हो जाए तब तक हमें इसे भूनना है। इस तरह से हमें मसाले को अच्छे से भून लेना है। देखिए मसालों ने भी तेल छोड़ दिया है, तो अब इसमें हम 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और पिंच हल्दी की डालेंगे, सिर्फ इसे अच्छा कलर देने के लिए, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए सब्जी अच्छे से ग्रिल हो गई है, आप देख सकते हैं। देखिए ये अच्छे से पक गया है, आलू भी हो गया है और ये देखिए ये बैंगन भी अच्छे से हो गया है। अब हम इसे मसाले में डालेंगे। तो देखिए ये बहुत ही कम मसाले में बन जाती है, तेल भी हमें बहुत कम लगता है। अब इसमें हम 2 चम्मच पानी डालेंगे और अच्छे से इसको मिला लेंगे। अब इसमें हम बैंगन और आलू जो हमने ग्रिल करके रखा था वो डाल देंगे। तो इस तरह से हम सारी सब्जियां डाल देंगे। तो देखिए सारी सब्जियां हमने डाल ली, अब इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसे ढक के हम थोड़ी देर पकने देंगे। अब बैंगन आलू अच्छे से मसाले में भून गया है, तो इसमें हम नमक डालेंगे। आप चाहें अगर लाल मिर्च डालना तो आप थोड़ी लाल मिर्च भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और फिर इसमें मैं 2 चम्मच पानी डालूंगी। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, ये तो सब्ज़ी का टेस्ट ख़त्म हो जाएगा, और इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। अब इसे हम ढक के पका देंगे। ऑलरेडी सब्ज़ी ग्रिल हो चुकी है, मसाले भून चुके हैं, तो बस 2 मिनट हमें इसे और पकने देना है, उसके बाद हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। तो देखिए सब्जी बनके रेडी हो गई है। अब इस पे हम फ्रेश कटा हरा धनिया डाल देंगे और इसको दाल, चावल, रोटी आप किसी के भी साथ भी सर्व करिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा।